1980s में फीफा एक मोस्ट पॉपुलर ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया, लेकिन आज बहुत सारे कंट्रीज इसे सबसे ज्यादा करप्ट और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। कई सारे फुटबॉल फैंस और इवन फुटबॉल प्लेयर्स भी इसको बायकॉट किए हुए हैं। लेकिन क्यों ऊपर से इतना साफ सुथरा नजर आने वाला फीफा आज इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे हो गया, और फीफा की वो कौन से डार्क सीक्रेट्स हैं जो इसे दुनिया की मोस्ट इविल बिजनेसेस में से एक बनाता है। वेल, इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल का कंट्रोल फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के हाथ में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फीफा के नाम से जानते हैं। फीफा की स्टार्टिंग 21 मई 1904 में हुई थी, जिसमें के बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, नीदान और स्विट्जरलैंड शामिल है। उस टाइम इसको स्टार्ट करने का मकसद ही कंट्रीज के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ाना था, और स्टार्टिंग के दौर में फीफा ने इस काम को बखूबी निभाया भी। आज की अगर बात करें तो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप को ही माना जाता है। वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह हर 4 साल में एक दफा ये किया जाता है। इस टूर्नामेंट को ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में देखा भी जाता है। अब वर्ल्ड कप को कौन सा कंट्री होस्ट करेगा ये पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे कि 2010 में ही ये डिसाइड हो चुका था कि 2018 में वर्ल्ड कप रशिया में खेला जाएगा, वहीं 2022 में वर्ल्ड कप कतार में खेला जाएगा। हिस्ट्री में देखा जाए तो कतार में चल रही ये टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहला ऐसा फुटबॉल वर्ल्ड कप है जिसे एक एशियन कंट्री होस्ट कर रहे। अब हिस्टोरिक होने के साथ साथ ये वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी से भी घिर चुका है, यहाँ तक कि दुनिया के कई सारे कंट्रीज में इस वर्ल्ड कप को बायकॉट भी किया जा रहा है। लेकिन क्यों? फीफा के एक्स चेयरमैन सेप ब्लैटर के मुताबिक फीफा की होस्टिंग कतार को देना पूरी तरह से इलीगल है। जब 2010 में फीफा अथॉरिटीज ने कतार को वर्ल्ड कप होस्ट करने की परमिशन दी थी, तब से ही गवर्नर अथॉरिटीज की नियत पर सवाल उठाए जाने लगे थे। लोगों को डाउट था कि क्योंकि कतार की फुटबॉल टीम कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो कर ही नहीं पाई, और तो और कतार का गर्म मौसम फुटबॉल जैसे खेल के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। यहाँ तक कि उस वक्त कतार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम्स भी नहीं थे। इसके बावजूद भी इसने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को बीतल में हरा दिया। फीफा को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं। इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल फीफा पे कभी नहीं आया, लेकिन आज फीफा की इमेज इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? तो इस मामले को अंदर तक जांचने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1978 के वर्ल्ड कप में, जिसे अर्जेंटीना ने होस्ट किया था। बात है 1966 की, जब कई सारे कंट्रीज में तख्ता पलट चल रहा था। एशिया से लेकर अफ्रीका तक बवाल मचा हुआ था। इसी बीच में फर्स्ट टाइम ब्रिटेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया, और उसी साल ये डिसाइड हुआ कि 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में खेला जाएगा। लेकिन उस वक्त अर्जेंटीना में डिक्टेटरशिप चल रही थी, और साथ ही दुनिया के काफी सारे कंट्रीज उस वक्त वर्ल्ड कप को बायकॉट भी कर रहे थे। लेकिन अर्जेंटीना के डिक्टेटर जॉर्ज रफाइल विदेला ने झूठे सच्चे वादे करके सभी लोगों को राजी कर लिया। दरअसल डिक्टेटर जॉर्ज रफाइल अर्जेंटीना के लोगों का ध्यान पॉलिटिकल इश्यूज से हटाकर फुटबॉल पर लाना चाहते थे। पॉलिटिक्स की दुनिया में इसे स्पोर्ट्स वॉशिंग कहा जाता है। स्पोर्ट्स वॉश का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अपनी खराब इमेज को सुधारने के लिए किसी बड़ी इवेंट की मदद लेते हैं। इसमें लोगों के खाने पीने मस्ती के पूरी तरह से इंतजाम भी किए जाते हैं, और इसी के चलते टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। नीदरलैंड ने 2 मैच जीत भी लिए। अब नीदरलैंड को पता था अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने लास्ट मैच 4-0 से जीतना होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने इस वर्ल्ड कप को हिस्ट्री का सबसे घटिया तरीन वर्ल्ड कप बना दिया। दरअसल अर्जेंटीना के सामने था पेरू, जहां अर्जेंटीना ने पेरू को 6-0 से हरा दिया। अब यहां पर ये शक पैदा होता है कि जिस पेरू ने इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम नीदरलैंड 0 पॉइंट पर ही रोक दिया था, वहां टीम अर्जेंटीना के खिलाफ कैसे हार गया, वो भी 0 से। यहां तक कि पेरू के कोच ने भी मैच के बीच में ही अपने बेस्ट प्लेयर को वापस बुला लिया, और इन्हीं सब बातों की वजह से लोगों में मैच फिक्सिंग का शक पैदा हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया कि इस जीत के बदले में अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक में पेरू के अकाउंट को अनफ्रीज करने से पेरू के 13 कैदियों को आजाद भी किया गया था। हालांकि ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए, लेकिन 25 जून 1978 में जॉर्ज रफाइल के साथ साथ फीफा को भी बराबर का जिम्मेदार माना गया, और ये पहली बार था जब फीफा के नाम के साथ इतना बड़ा केस सामने आया। फीफा का नाम खराब करने में अगर किसी एक इंसान को जिम्मेदार माना जाए तो वो है इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद से फीफा के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, करप्शन जैसी चीजें स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ बैटलर ने 17 साल तक फीफा को एज अ प्रेसिडेंट लीड किया, और इसी दौरान काफी सारी कंट्रोवर्सीज का नाम आया, और इन्हीं सब के चलते 2015 तक ब्लैटलर ने रिजाइन कर लिया, और उसी साल फीफा के अंदर और भी बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ। लॉस एंजलिस टाइम्स के अकॉर्डिंग फीफा के उसी वक्त के ऑफिशियल्स पर $150 मिलियन का ब्राइमरी का खुलासा भी हुआ था। सारे मामले में देखा जाए तो 9 लोग शामिल थे, इसमें से 7 को तो उसी टाइम अरेस्ट कर लिया था। जांच के बाद ही पता चला कि ये सारे लोग रिश्वत लेकर वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए वोट खरीदने और बेचने का काम करते थे। वेल, देखा जाए तो इसी किस्म के इल्जामात कतार में चल रहे वर्ल्ड कप पर भी लगाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप को कौन सा
कंट्री होस्ट करेगा इसका डिसीजन फीफा के ऑर्गेनाइजेशन कमेटीज लेती है, जिसमें 2010 के दौरान टोटल 24 लोग शामिल थे, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक अब इस कमेटी में 34 मेंबर्स होते हैं। 2010 में जब ये 24 लोग 2022 के वर्ल्ड कप का फैसला कर रहे थे, तब उस कमेटी में मौजूद दो लोगों को हटा दिया गया था, क्योंकि उस वक्त दो लोगों पर रिश्वत लेने के इल्जाम लगाए गए थे। कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में ये भी दावा किया जाता है कि कतार की मीडिया कंपनी अल जजीरा ने 2022 कतार वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट हासिल करने के लिए सीक्रेटली फीफा को $400 मिलियन भी ऑफर किए थे। यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग कतार में होने वाले वर्ल्ड कप फीफा को एक गलत फैसला मान रहे हैं, क्योंकि एक तो कतार का मौसम फुटबॉल जैसे खेल के लिए सूटेबल है ही नहीं, साथ ही उस वक्त कतार वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि जब कतार को होस्टिंग दी गई तो वहां पर जल्दी जल्दी 8 फुटबॉल स्टेडियम्स बनाए गए थे, जिसके लिए माइग्रेट किए गए लेबर से हर रोज कई कई घंटों तक एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था। 2021 में गार्डियंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से लेकर अब तक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के तकरीबन 6,500 से ज्यादा लेबर्स की कतार में मौत हो चुकी है। इतने सारे सबूतों के बावजूद भी 20 नवंबर 2022 से कतार में फीफा वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग हो चुकी है। भले ही ये मैच इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप क्यों ना हो और इससे लेकर दुनिया में कितने ही बायकॉट क्यों ना चल रहे हो, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी आज भी वैसी की वैसी ही है। फीफा आज के वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 211 कंट्रीज की नेशनल टीम्स जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कहा तो यही जाता है कि फीफा खुद अपने आप में दुनिया के कई कंट्रीज से ज्यादा पावरफुल है, और यही वजह है कि फीफा से जुड़ा कोई भी सबूत बाहर आने से पहले ही उसे दबा दिया जाता है।